नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमका की तरफ से है। कल की डिफेंस टॉक वीडियो में हमने तेजस MK2 और ट्विन इंजन टैंक बेस्ड फाइटर के बारे में चर्चा किया था और वायु एरोस्पेस के साथ किए गए इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स के चीफ के तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसके मुताबिक ये तीनों प्रोजेक्ट अभी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया जिसमें ये बताया गया कि तेजस और तेजस MK2 प्रोग्राम के मुकाबले एमका प्रोग्राम अभी भी एक स्टेप पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी तेजस MK2 की कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एमका की बात करें तो एमका की अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ है और पिछले साल इसकी प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी तक इसकी CDR कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जिस वजह से अभी तक एमका की पहली दो प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो मेटल कटिंग शुरू होने वाली थी वो शुरू नहीं किया जा सकता है। लेकिन अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक अभी HAL और DRDO मिलकर काम करने वाले और जल्दी से जल्दी एमका की कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हैं। प्लान के मुताबिक 2024 से 2025 के बीच इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया गया है और 2028 से 29 के बीच इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान रखा गया है। अभी एमका की जो स्पेसिफिकेशंस है इसमें एक मजेदार चीज सामने आया है और ADA के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश देवधरे जी ने बताया है कि एमका स्टेल्थ मोड में एक 20 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जबकि नॉन स्टेल्थ मोड में ये एक 25 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्योंकि स्टेल्थ मोड में ये सिर्फ इंटरनल वेपन्स को ही कैरी कर सकता है, जबकि नॉन स्टेल्थ मोड में एडिशनल 5 टन के आसपास वेपन्स को कैरी कर सकता है। एमका को हम चाहे तो डीप स्ट्राइक मिशन के लिए बॉम्बर के तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्टेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से यह आसानी से दुश्मन के रडार को चकमा देख के दुश्मन के एरिया में घुस सकता है और स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। हालांकि इसकी एग्जिट रेंज अभी तक सीक्रेट रखा जा रहा है, लेकिन ये कम से कम 1000 किलोमीटर तक जाके स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। तो उस हिसाब से इसकी जो कॉम्बैट रेडिएशन होने वाला है यानी कि इंटरनल फ्यूल के साथ ये 1000 किलोमीटर तक जाके स्ट्राइक करके वापस आ सकता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। अब सबको पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए अभी कई देश इंटरेस्टेड हैं और एक दिन पहले हमने इसके बारे में एक रिपोर्ट को कवर किया था जिसमें फिलीपींस की तरफ से इसको खरीदने के लिए फंड्स का लोकेट किया जा रहा था और जल्दी से ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस यहां पर अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि शायद ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भी होने वाला है। अब सिर्फ यहां पर फिलीपींस ही नहीं बल्कि और भी कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम जैसे देश भी अभी ब्रह्मोस मिसाइल को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऑफिशियली अभी भारत के साथ इसको लेके बातचीत कर रहे और कुछ अभी वर्बली इसे अक्वायर करने की बात कर रहे हैं। अब मेनली जितने भी देश अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी का कहीं ना कहीं चाइना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश मौजूद हैं और स्पेशली साउथ चाइना सी रीजन जितने देशों के साथ लगा हुआ है उन सभी के साथ चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं और अभी भी चाइना बार बार उन सभी के बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, जिस वजह से वो सभी अपनी मैरिटाइम बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा UAE, ब्राजील, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका की तरफ से भी अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने की खबर सामने आ रही है। अगला अपडेट S-500 सिस्टम को लेकर है। रशिया की तरफ से अभी एक बार फिर से अपनी आर्कटिक रीजन में S-500 सिस्टम और अपनी नई S-550 सिस्टम को टेस्ट किया गया है और इस बार स्पुटनिक की तरफ से बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के दौरान S-500 सिस्टम को एयरक्राफ्ट के खिलाफ नहीं बल्कि हाइपरसोनिक टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया था, जिनको S-500 सिस्टम ने बिना किसी परेशानी के इंटरसेप्ट कर दिया था। अब अभी तक S-500 सिस्टम को लेकर रशिया की तरफ से कई बार स्टेटमेंट दिया जा चुका है कि आगे चल के इनको भारत को ऑफर किया जाएगा। सबसे पहले रशिया के डिप्टी PM यूरी वोरिसोव की तरफ से बताया गया था कि S-500 सिस्टम का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर भारत होने वाला है। इसके बाद रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन के डायरेक्टर दिमित्री सुगायब की तरफ से बताया गया था कि सबसे पहले S-500 सिस्टम को रशिया भारत को ऑफर करने वाला है और अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी रशियन मीडिया से बात करते हुए स्टेटमेंट दिया गया कि रशिया आगे चल के भारत और चाइना को अपनी S-500 सिस्टम को ऑफर करने वाला है।
इसके अलावा रशिया भी S-400 सिस्टम को यूज करने वाले बाकी सभी देशों को भी आगे चल के अपनी S-500 सिस्टम को ऑफर करने वाले, लेकिन सबसे पहले इसको भारत और चाइना को ऑफर किया जाएगा। अब S-500 सिस्टम की खास बात यह कि दुश्मन की स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अलावा हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और यहां तक कि वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स को भी मार के गिरा सकता है। और इसकी रेंज की बात करें तो ये भी S-400 सिस्टम की रेंज के मुकाबले लगभग 200 किलोमीटर ज्यादा होने वाली है। लेकिन अभी तक भारत की तरफ से S-500 सिस्टम को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को इश्यू नहीं किया जा रहा है। मे बी भारत अभी अपनी इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जाने वाला है, और मिसाइल डिफेंस रोल के लिए यहाँ पर हम S-500 सिस्टम को एक्वायर करना नहीं चाहते हैं, या फिर आगे चल के S-500 सिस्टम को भी भारत एक्वायर कर सकता है, जिससे S-400 सिस्टम के साथ कंबाइन करके भारत एयर डिफेंस रोल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये बात आगे चल के ही पता लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।